हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर 4। ठीक है, हम लोगों ने यूनिट 2 में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पहले ही। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ये 3rd और फाइनल चैप्टर होगा यूनिट 2 का। ऐसे बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 4 है और यूनिट के अकॉर्डिंग यूनिट 2 का ये 3rd चैप्टर है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या अप्रोचेस हैं, क्या क्या कंपोनेंट हैं जिससे ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन का ग्रोथ होगा, ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन की वेलबींग अच्छी होगी। ठीक है, ह्यूमन की लाइफ अच्छी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट न्यू टू यू। लुक अराउंड यू, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन सी एंड मेनी दैट यू कैन नॉट ग्रोज एंड डेवलप्स, दिस में बी प्लांट सिटीज। देखिए क्या कह रहा है कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रोथ भी कर रही हैं और डेवलप भी कर रही हैं, है ना। प्लांट्स ग्रो करता है, सिटीज़ डेवलप करती हैं, आइडियाज़, नेशन, रिलेशनशिप, हर चीज़ जो भी हम अपने अगल बगल देखते हैं, अपने सराउंडिंग में देखते हैं, कहीं ना कहीं वो ग्रो भी कर रहा है और डेवलप भी कर रहा है। हम लोग खुद एज ए ह्यूमन, हमारी हाइट ग्रो कर रही है, हमारा जो एजुकेशन है वो डेवलप कर रहा है, हमारा माइंड डेवलप कर रहा है ना। तो हमें इस चैप्टर में देखना है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और उससे नेशंस पर और कम्युनिटीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सबसे पहले समझते हैं हम लोग। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ कहिए या डेवलपमेंट कहिए, दोनों का मतलब होता है चेंजेस। चेंजेस, ठीक है, टाइम बाय टाइम जो चेंजेस आता है उसको या तो हम ग्रोथ से रेफर करते हैं या डेवलपमेंट से। तो ग्रोथ कब कहेंगे, डेवलपमेंट कब कहेंगे, इसको समझते हैं। द डिफरेंस इज़ दैट ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। ग्रोथ को हम लोग नंबर के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, है ना, कि लाइक किसी का हाइट ले लीजिए कि कोई कितना ग्रो किया। कोई बच्चा पहले था वो 2 फीट का, अब हो गया 5 फीट का, ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है ना। तो ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव और वैल्यू न्यूट्रल टर्म है। इट मे हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है और ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है, नंबर कार्डिनल टर्म्स में। दिस मीन्स दैट द चेंजेस में भी इधर पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि ग्रोथ इंक्रीज भी कर सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ग्रोथ डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज। लोग में जब क्वालिटेटिव चेंज आती है, जब क्वालिटी चेंज होती है आपके लाइफ की, तभी तो कहते हैं ना कि आप डेवलप कर रहे हैं, नहीं तो क्या होता है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लाइक आप एकदम और पुअर से पुअर होते जा रहे हैं। तो वैसे में क्या हम बोलेंगे कभी कि डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं बोलेंगे। तो वहाँ पर क्या है, हमको ये पता चल रहा है कि डेवलपमेंट क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो क्या हम इसको बोल रहे हैं, ये क्वालिटेटिव चेंज है। लोगों की क्वालिटी चेंज होगी तब डेवलपमेंट आएगा, या किसी भी चीज़ की क्वालिटी चेंज होगी तो उसका डेवलपमेंट होगा। दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज़ एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन, है ना। कंडीशन सही नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं आ गया। डेवलपमेंट अगर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। अब डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे कनेक्टेड है, कि ग्रोथ जब पॉजिटिव होगा तभी डेवलपमेंट आ सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव टर्म्स है, है ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव तो देगा नहीं। तो ग्रोथ जब पॉजिटिव होगा तो डेवलपमेंट होगा, येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं कि हमेशा अगर हम कहें कि पॉजिटिव ग्रोथ है तो मतलब हमेशा हमारा डेवलपमेंट से हो, नहीं, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटी अच्छी होगी लोगों की लाइफ जीने की तब होगा डेवलपमेंट। और पॉपुलेशन तो कैसे भी ग्रो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है। मान लीजिए कहीं पर जो लाइक यहाँ पर देखिए, नीचे एग्जांपल है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 लाख से 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लेते हैं कि कुछ टाइम में पॉपुलेशन जो है कि कहीं का 1 से 2 लाख हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन क्या किया, ग्रो किया, कैसा ग्रो किया, पॉजिटिव ग्रो किया, है ना, बढ़ा। वी से द सिटी हैज़ ग्रोन, हाउएवर इफ़ अ फैसिलिटीज़। अब लेकिन ना उनको घर है सही का, ना ही उनको बेसिक सर्विसेज लाइक खाना, कपड़ा, रोटी, कुछ भी सही का नहीं है। मतलब जैसा उनकी हालात था वैसा ही रह गया, सेम का सेम। पॉपुलेशन ग्रो तो कर गया 1 लाख से 2 लाख, लेकिन उनकी कंडीशन नहीं सुधरी। तो क्या हुआ, ग्रोथ हुआ लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा ग्रोथ जब भी पॉजिटिव रहेगा तो उसका मतलब होगा डेवलपमेंट होगा, नहीं, चूँकि डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव टर्म है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ प्लस क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट जब होगा तब क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए, फॉर मेनी डिकेड्स, मतलब 10 साल, 10 ईयर्स,
तो बहुत दशकों तक अ कंट्रीज़ लेवल ऑफ डेवलपमेंट वॉज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब बहुत टाइम तक ऐसा लोगों को लगता था कि जिस भी कंट्री में मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब लोग अच्छे से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो मतलब वो कंट्री क्या कर रही है, डेवलप कर रही है ना। तो मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी, जितना ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा वहाँ कंजम्पशन होगा, जितना अच्छा वहाँ का मार्केट चलेगा यानी कि एक्सचेंज होगा, उतना अच्छा वहाँ का क्या होगा, लोगों की लाइफ होगी, है ना, डेवलप कहलाएगा वो। इवन दो दिस ग्रोथ डिड नॉट रियली मीन मच चेंज इन द लाइफ्स ऑफ मोस्ट पीपल। हाँ भले, देखो क्या होता है हमारी कंट्री का ना इकोनॉमी, उसमें क्या होता है जीडीपी, तो जीडीपी जो होता है मैक्सिमम हमारे इंडिया में किनके शेयर से जाता है, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के, है ना। एक मिनट वेट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच बीच में थोड़ा नॉइज़ बढ़ने लगता है इसलिए थोड़ा रोकना पड़ता है। खैर, तो हम क्या कह रहे हैं कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी जो है हमारा पूरे कंट्री का जो डेवलपमेंट, आप 12th में आ गए आपको जीडीपी तो पता होगा, है ना। तो वहाँ मैक्सिमम जीडीपी में शेयर्स किसका रहता है, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का, है ना। तो इससे ये तो नहीं ना हो रहा है कि सारे लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है, नहीं ना, डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, कंट्री ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है ये बिग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग की वजह से हो रही है, ये बाकी हर एक लोगों के वजह से तो नहीं हो रही है, है ना। सो दिस ग्रोथ डिड नॉट रियली मीन मच चेंज इन द लाइफ्स ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल। तो इसलिए हमने वो जो पहले मेजर्स लिया जा रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ है तो डेवलपमेंट है, नहीं है तो नहीं होगा, जिस कंट्री की जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी वहाँ का उतना बड़ा डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा डेवलप होगा वो कंट्री, तो इसको हमने कट कर दिया इस आइडिया को। उसके बाद द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल इन्जॉय इन अ कंट्री, द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड फ्रीडम दे इन्जॉय आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब अगर हमें डेवलपमेंट के बारे में बात करना है तो हमें फोकस कहाँ करना पड़ेगा, लोगों की लाइफ पर, उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, उनको क्या क्या, उनको क्या जॉब मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, उनको आज़ादी मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो खुश हैं या फिर नहीं है, ठीक है, इन सब फैक्टर्स पर देखना पड़ेगा। तो दीज आइडियाज़ वर क्लियरली स्पेल्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s सेंचुरी। तो क्या हुआ था, ये सारे आइडिया जो थे ना वो 80s और 90s सेंचुरी के टाइम पर आए थे। उसमें क्या था कि दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे हमारे, महबूबुल हक, यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर साउथ इंडिया नहीं लिखा है, साउथ एशियन लिखा है, ठीक है, मतलब जो हमारा एशिया है ना उसका साउथ वाले रीजन का दो इकोनॉमिस्ट हैं, एक हैं महबूबुल हक और एक हैं अमर्त्य सेन, ये दोनों इकोनॉमिस्ट हैं साउथ ईस्ट एशियन के, ठीक है। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पर बहुत काम किया है, इनके बारे में नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो वो आप खुद से पढ़ लेंगे। हाँ, ये हम स्टार्ट करते हैं यहाँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई डॉक्टर महबूबुल हक। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था कि लोगों की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया, डॉक्टर महबूबुल हक ने दिया। तो डॉक्टर हक हैज़ डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट इन लार्जेस पीपल्स चॉइस एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ। लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, है ना, भले वो जॉब में हो, मार्केट में हो या किसी भी सेक्टर में, अगर लोगों को चॉइसेस मिल रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है ना, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट, मतलब मेन इसमें कौन हो गए, लोग हो गए, लोग जो हैं वो सारे डेवलपमेंट से जुड़ गए, है ना। दीज चॉइसेज आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू क्रिएट इकोनॉमिक कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ्स। तो क्या है, चॉइसेस तो चेंज हो रहे हैं ना, कभी आप बोलेंगे कि मेरे पास स्कूटर होता, स्कूटर हो जाएगा, फिर कभी बोलेंगे मेरे पास कार होता, तो ज़रूरी तो नहीं है ना हर चीज़ आपके पास मिल जाए, तो आप ऐसा भी तो नहीं कह सकते कि हर चीज़ नहीं मिल रहा तो हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि अगर किसी के पास कार है तो वो सोचेगा मेरे पास दो तीन और कार हो जाए, तो डेवलपमेंट तो उसका हुआ है लेकिन वो एक्स्ट्रा चाह रहा है ना। तो क्या हो रहा है, आपकी ये जो आपके चॉइसेस हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट से क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि डेवलपमेंट मतलब लोगों को एक मीनिंगफुल लाइफ मिले, ठीक है, मतलब लोगों को एक क्वालिटी वाली लाइफ मिले, उसमें लोगों को हर तरीके की फ्रीडम हो, हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हो, लोग पॉवर्टी में ना जाएं, इस तरीके की लाइफ अगर है लोगों के पास, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है। अ मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, ऐसा नहीं कि ज़्यादा साल तक जी लिए एकदम
80-90 तक, तो उसका मतलब हो गया कि मीनिंगफुल लाइफ है, अच्छी ज़िंदगी है। नहीं, इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस। उनको कुछ गोल होना चाहिए, कुछ पर्पस, लाइक उनको हेल्दी रहना है ना, उनके टैलेंट्स मतलब उनकी जो एजुकेशन है वो बढ़नी चाहिए, सोसाइटी में उनका पार्टिसिपेट होना चाहिए, मतलब सोसाइटी में वो लोग क्या वेलफेयर का काम करेंगे, एंड फ्री टू अचीव देयर गोल्स। और अपने किसी जैसे अपना एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं या कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कुछ गोल रख रहे हैं, तो वो अपने गोल को फुलफ़िल कर सकेंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक मीनिंगफुल लाइफ के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक पेंटिंग्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू समझाया गया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट इज़ मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ क्या है, हैप्पी बर्थडे शहनाज, ये वुमेन इसको बोलती है, ये वुमेन बोलती है थैंक्स प्रिया, तो विश मी गुड हेल्थ ऑल्सो, आई वॉन्ट टू बी एबल टू कम्प्लीट स्कूल एंड गो टू कॉलेज। इनके लिए अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है कि ये कॉलेज जा सकें, ये स्कूल जा सकें, इनकी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। इनके लिए ज़िंदगी का ये मतलब है कि मेरी ज़िंदगी तभी अच्छी होगी जब मैं हेल्दी रहूँगी, जब मैं स्कूल जा सकूँगी या कॉलेज जा सकूँगी, है ना। आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू समथिंग और मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ। और इनका गोल क्या है कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ आगे काम करना चाहती हूँ। सो ये जो प्रिया है इसने क्या बोला, सो यू वॉन्ट टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ देन, तो मतलब तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहती हो, है ना, जीना चाहती हो, मतलब ऐसी ज़िंदगी जिसका कोई लक्ष्य हो, बिना मोटिव के ज़िंदगी क्या है, कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, है ना। तो अगर मीनिंगफुल लाइफ जीना है तो मतलब हमको खाना खाना पड़ेगा, मतलब एक ऐसा लक्ष्य रखना है कि भैया हमको हेल्दी रहना है, हमको ज़्यादा साल तक जीना है, हमको कोई जॉब करना है, हमको पढ़ना लिखना है, फ्रीडम चाहिए, ठीक है, ये हो गया मीनिंगफुल लाइफ। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अप्रोचेस किए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, क्योंकि फीमेल इन्फेंटिसाइड फिटिसाइड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है, ठीक है। चलिए, लीडिंग टू अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बींग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लीव अ डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो होगा अच्छी ज़िंदगी जीना, हेल्दी लाइफ जीना, ठीक है, मतलब किसी तरीके की डिजीज़ ना हो, बीमारी ना हो, बींग एबल टू गेट नॉलेज, एजुकेशन मिलना, एंड हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ, और रिसोर्सेज में एक्सेस मिलना, है ना, एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सारे क्या है, की एरियाज़ हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का, मतलब मेन फैक्टर हैं। अगर ह्यूमन को डेवलपमेंट करना है तो उनको फोकस करना पड़ेगा कि उनको एक्सेस हो रहा है कि नहीं रिसोर्सेज, क्योंकि हमारी वांट्स तो रिसोर्सेज से ही फुलफिल होंगी, तो क्या हमें रिसोर्सेज मिल रही हैं या फिर हमें रिसोर्सेज नहीं मिल रही हैं। उसके बाद हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा कैसे होगी, हम ज़्यादा लंबा कैसे जिएंगे जब हम हेल्दी रहेंगे, हम अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब करेंगे, कैसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कैसे हम अपने चॉइसेस को फुलफ़िल कर सकेंगे, अपने नीड्स को फुलफ़िल कर सकेंगे, जब हमें एजुकेशन होगा, जब पता होगा तब ना रिसोर्सेज का यूज़ करोगे, जब एजुकेशन है ही नहीं, काम करने आता ही नहीं है, तो कैसे करोगे एजुकेशन का रिसोर्सेज का यूज़, है ना। तो ये सारे क्या की फैक्टर्स आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के, सुटेबल इंडिकेटर्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ईच ऑफ दिस एस्पेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स भी लाए गए हैं, बहुत सारे तरीके भी लाए गए हैं जिससे पता चले कि लोगों को रिसोर्सेज मिल रहा है या नहीं, लोग हेल्दी रह रहे हैं या नहीं, लोगों को एजुकेशन मिल रहा है या नहीं, ठीक है। वेरी ऑफन पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। बहुत बार ऐसा होता है ना, लोगों को फ्रीडम नहीं होती अपने बारे में, खुद के बारे में फैसला लेने के लिए, है ना, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता है, वो गरीबी में रहते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, है ना। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे लोगों को क्या हो रहा है, लोगों को एक्सेस नहीं हो रहा है, लोग अपनी मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी पा रहे, सो दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम हेल्दी, मतलब ऐसा जब भी होगा लोगों के साथ क्या, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, लोग गरीबी में जाए जा रहे हैं, एकदम गरीबी में डूबे जा रहे हैं, ऐसे में क्या होगा, ना तो लोग हेल्दी रहेंगे, बहुत सारी नई बीमारी हो जाएगी, ना उनके पास एजुकेशन रहेगा, ना ही उनके पास किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। तो बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज़ इन द एरियाज़ ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन लार्जिंग देयर चॉइसेस। तो अगर लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, लोगों को एक अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छी तरीके से रहना है, तो लोगों की मेन फोकस होनी चाहिए हेल्थ पर, एजुकेशन पर और एक्सेस टू रिसोर्सेज के ऊपर, कि हम काम को कैसे करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करेंगे। इफ़ पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटीज़, अगर लोगों में क्षमता ही नहीं रहेगी तो उनके पास कोई चॉइस भी नहीं रहेगी, मतलब चॉइस कहने का मतलब उनकी कोई भी डिमांड्स, उनकी कोई भी वांट्स पूरी ही नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आइए जैसे एग्जांपल लेते हैं, An uneducated child cannot make the choice to be a doctor because her choice has got limited by her lack of education. क्या बोल रहा है, एक बच्चा है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो कभी सोचेगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो ख़त्म हो गई समाज से, है ना।
उन लोगों के बीच से डॉक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई, चॉइस ख़त्म हो गई। भाई जब पढ़ ही नहीं रहे हैं तो डॉक्टर कहाँ से बनेंगे, है ना? तो पढ़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। उनकी चॉइस क्यों ख़त्म हो गई? एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तो रिसोर्सेज, एजुकेशन इनके पास नहीं है, तो इसकी वजह से इनको क्या हुआ, चॉइस नहीं मिला। इनके पास अगर एजुकेशन रहता तो इनको चॉइस मिलता, ठीक है। सिमिलरली वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज बिकॉज देयर चॉइस इज लिमिटेड बाय देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब उनके पास पैसा नहीं होता है, गरीब लोगों के पास, इसलिए वो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं। तो क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ नहीं है ना हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसोर्सेज में, तो इसके वजह से हमारे पास चॉइस भी नहीं है, ठीक है। पैसा नहीं है तो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, एजुकेशन नहीं है तो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप द मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट्स बिलोंग टू। दिस शुड देन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीज़न फॉर सच बिहेवियर। इन इंडिया लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड पर्सन बिलोंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। देखिए क्या बोल रहा है, किसी कंट्रीज़ में जाकर आप वहाँ का चेक करिए कि किस एज के लोग, ठीक है, वर्किंग क्लास के लोग, किस एज के लोग, 5 से 10 साल वाले, 10 से 15 साल वाले, मतलब चाइल्ड, टीनेज या एडल्ट, किस एज के लोग ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट करते हैं, क्योंकि उससे पता चल जाएगा। अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट करेगा तो इसका मतलब क्या, उसके पास पैसा नहीं होगा। कोई टीनेज ड्रॉप आउट कर रहा है तो उसका मतलब होगा कि उसको काम करना होगा, सेम उसके साथ भी पैसा नहीं, रिसोर्सेज नहीं, उसको कहीं काम करने जाना है। अगर कोई एडल्ट ड्रॉप आउट कर रहा है तो उसके साथ भी सेम केस है, उसके पास जॉब नहीं होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, ड्रॉप आउट ही करेगा। मतलब मेन फैक्टर क्या है कि रिसोर्सेज नहीं होगा। तो इंडिया में क्या है कि जिन लोगों के पास, जिन लोगों को सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, जो सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से बैकवर्ड हैं, इन लोगों का जो ड्रॉप आउट करने का जो संख्या है वो ज़्यादा है। ऐसे लोग ज़्यादा स्कूल को छोड़ देते हैं, अपना एजुकेशन कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि नॉलेज नहीं है इनके पास, इसलिए इनके पास चॉइसेस नहीं है, है ना। तो सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना आपके पास रिसोर्सेज है आप उसका बेटर यूज़ करिए, जितनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आप उसको लगातार यूज़ करते रहिए। टू हैव अ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़। मतलब अगर हम बात करें सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी मतलब जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वैसे ही सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो सेम अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे आने वाले जनरेशन के पास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एजुकेशन था आप डॉक्टर बन गए, आपके बाद वाली जो जनरेशन आई उसके पास एजुकेशन ही नहीं रही, अब एजुकेशन ही नहीं रहेगी तो उसके पास डॉक्टर बनने का चॉइस भी नहीं रहेगा, तो ऐसे में तो सस्टेनेबिलिटी नहीं कहलाएगी। तो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट तब कहलाएगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है वही अपॉर्चुनिटीज़ आपके आने वाले जनरेशन के पास भी हो। तो ऑल इन्वायरमेंटल, फिनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स मस्ट बी यूज कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। तो अगर हम कोई भी रिसोर्सेज को यूज़ करें, भले वो इन्वायरमेंटल हो, फिनेंशियल हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सबको हमें इस तरीके से यूज़ करना है ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आज हमें मिल रही है कल वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आने वाले जनरेशन को मिले। मिसयूज़ अगर हम करेंगे इनमें से किसी भी रिसोर्सेज का तो आने वाले जनरेशन्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगी, ठीक है। अ गुड एग्जाम्पल इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। लाइक देखिए क्या होता है, गर्ल्स को स्कूल भेजा जाता है। इफ़ अ कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स चिल्ड्रेन टू स्कूल मेनी अपॉर्चुनिटीज़ विल बी लॉस्ट टू दीज यंग वुमेन वेन दे ग्रो अप। तो क्या होगा अगर, मतलब कोई ऐसी सोसाइटी है जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकता है, तो आप उनको स्कूल जाने से रोकें, फिर वो बड़ी हुई, उनका शादी हुआ या जो भी, बड़ी हुई तो उनके पास अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, चॉइसेस तो नहीं है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो ना वो डॉक्टर बन सकती हैं ना वो इंजीनियर बन सकती हैं, मतलब अपना सोशल अपलिफ्टमेंट वो नहीं कर सकते, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इससे क्या हुआ, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई, देयर करियर चॉइसेस विल बी सेवरली कर्टेल्ड एंड दिस वुड अफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। अब चूँकि क्या है कि उनके पास तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो उनको जैसे अपनी ज़िंदगी चलाने को मिलेगा वो वैसे चलाएंगे, मतलब अगर गरीब हैं तो गरीब ही रह जाएंगे, है ना, एजुकेशन नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो अगर गरीब है तो गरीब ही रहेंगे, उनके साथ अगर एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा तो वो उसको टॉलरेट करेंगी, उसके अगेंस्ट में नहीं लड़ सकती हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो जानती नहीं कि कैसे फ़ाइट करना है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में, ठीक है। सो ईच जनरेशन मस्ट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टू ईच फ्यूचर जनरेशन। तो हमें कैसा ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, हमें सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट करना है। इसके बाद आइए प्रोडक्टिविटी, हेयर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब क्या है कि इंसान कितना मेहनत कर सकता है किसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए।
ठीक है, मतलब ह्यूमन क्या, ह्यूमन जो है ह्यूमन कितना प्रोडक्टिव है, मतलब किसी काम को करने में कितना अच्छा है, ये उसकी प्रोडक्टिविटी शो कर रही है। तो सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कंस्टेंटली इनरेज बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन पीपल। लोग तभी तक अच्छे से काम कर पाएंगे ना जब उनको उस चीज़ की नॉलेज होगी, उनको हेल्थ अच्छा होगा, उनको रिसोर्सेज मिलती रहेंगी, है ना। तो अल्टीमेटली इट इज़ पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशन। तो नेशन तभी तक है जब तक वहाँ के लोग हैं, लोग ख़त्म देश ख़त्म। Therefore, efforts to increase their knowledge to provide better health facilities ultimately leads to better work efficiency. लोगों को अच्छी knowledge दी जाए, उनके health पर focus किया जाए, उनको resources provide कराया जाए, तो इससे क्या होगा, काम भी अच्छा चलेगा लोगों का, है ना, वो अच्छे से काम कर सकेंगे। क्योंकि आप खाए पिए नहीं रहेंगे तो आप काम कैसे करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि काम करना कैसे, मतलब नॉलेज नहीं रहेगा तब भी आप काम नहीं कर सकते हैं, आपके पास काम करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होंगे, सामान नहीं होंगे, तब भी आप काम नहीं कर सकते हैं। सो जो की एस्पेक्ट से ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप कोई भी काम को आराम से कर सकें। अब ह्यूमन है भाई तो काम करेंगे, है ना। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। एक मिनट, सॉरी थोड़ा पॉइंट यहाँ सर मिस हो गया। हम लोग यहाँ इसके बाद वहाँ ऊपर से कंटिन्यू कर दिए, हम लोग नीचे देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, फोर पिलर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। मैं समझा देता हूँ, सस्टेनेबिलिटी तो हम लोग पढ़ लिए, प्रोडक्टिविटी हम लोग पढ़ लिए, बच गया क्या हमारा, इक्विटी और एम्पावरमेंट। सॉरी थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, हमने अच्छे से समझा है फिर भी हर चीज़ों को। इक्विटी का मतलब होता है हर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है। जैसे अगर हमको कोई अच्छे पोजीशन पर जॉब मिल रहा है तो अदर कास्ट या कम्युनिटी के लोग हैं तो उनको भी सेम जॉब मिलने का चांस होना चाहिए, उनके पास भी सेम चॉइस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाए, कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाए, उन गरीब हैं तो इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ठीक है, या कास्ट के बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेट, ऐसा नहीं। जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है वो अपॉर्चुनिटीज़ सभी के पास होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है इक्विटी का मतलब। अब आते हैं यहाँ एम्पावरमेंट की तरफ। तो ये चार पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। अगर ह्यूमन को डेवलप करना है, ह्यूमन का डेवलपमेंट होना है, तो इक्विटी होना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, आज जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो आने वाले जनरेशन के पास भी होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, मतलब हम एफिशिएंट होना चाहिए कि किसी भी काम को हम कर सकें। और काम कब करेंगे, जब हम की एस्पेक्ट्स पर काम करेंगे, रिसोर्सेज, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। और फाइनली एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट अब देखते हैं एम्पावरमेंट क्या होता है। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, ठीक है, मतलब आप इतना कैपेबल होने चाहिए कि आपको अच्छे और बुरे का समझ होना चाहिए, क्या हमारे लिए है और क्या हमारे लिए नहीं है। तो सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। वो ऐसा तभी हो सकता है ना जब आपके पास आज़ादी हो चॉइस करने की। लाइक देखिए क्या होता है, गर्ल्स लोग को बोला जाता है कि आपको उसी से शादी करना है जो आपके पेरेंट्स पसंद करेंगे, यानी कि उनके पास फ्रीडम नहीं है। तो फ्रीडम नहीं है तो उनके पास चॉइस नहीं है, है ना, लड़का अच्छा हो या ख़राब हो उनको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं क्योंकि फ्रीडम नहीं है, उनको कैपेबल नहीं बनाया जा रहा है, है ना। वो अच्छे बुरे का फ़र्क तब समझेंगे जब उनको आज़ादी मिलेगी कि हाँ भाई आप अपने मन से डिसाइड करिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। जब वो कैपेबल होंगी, उनको नॉलेज होगा, है ना। उसके बाद गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। अब लोगों का अपलिफ्टमेंट करना है, लोगों को स्ट्रांग बनाना है, तो इसमें गवर्नेंस को भी अच्छा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर सुना दिया कि कोई भी जो गर्ल्स है वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादी नहीं करेगी, या कोई भी बॉय है वो अपने कंट्री से बाहर जाकर काम नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, हमारे पास चॉइसेस नहीं रह रही हैं, है ना, कंट्री में रहकर ही काम करना पड़ेगा भले पैसा हो या ना हो, ठीक है। तो द एम्पावरमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। तो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है वैसे ग्रुप्स के ऊपर जो सोसाइटी में भी काफ़ी बैकवर्ड हैं और मार्केट मतलब पैसे में भी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं। चलिए होप सो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं अप्रोचेस, क्या क्या अप्रोचेस किए गए हैं ह्यूमन को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन के डेवलपमेंट। तो चार अप्रोच है। एक है इनकम अप्रोच, जितना अच्छा इनकम होगा उतना अच्छा लोग अपनी लाइफ को जिएंगे, क्योंकि पैसा होगा तो वो अपने लाइफ में अपने नीड्स को पूरा कर सकेंगे। उसके बाद वेलफेयर अप्रोच, गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेगी जिससे लोगों की लाइफ अच्छी हो,
है ना। गवर्नमेंट को किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी भी सोशल बैकग्राउंड के ऊपर, किसी भी कास्ट के बैकग्राउंड के ऊपर, किसी भी लैंग्वेज के टर्म्स में। क्या वेलफेयर अप्रोच करना है गवर्नमेंट को, मतलब सभी के लिए इक्वल लॉ, यूनिफॉर्म लॉ लाना पड़ेगा। मिनिमम नीड्स अप्रोच, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, लोगों के जो बेसिक नीड्स है लाइक लोगों को एजुकेशन, लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज़, लोगों को रिसोर्सेज मिले, इन सब पर फोकस करना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी सरकारी स्कूल, बहुत सारी सरकारी हॉस्पिटल और बहुत सारे PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत सारे लागू किए हुए हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ भी लगाई हुई हैं जिससे लोग की बेसिक नीड पूरी होती है, है ना, मनरेगा वगैरह सब है। एंड कैपेबिलिटीज़ अप्रोच, और गवर्नमेंट को और पीपल को, सोसाइटी को मिलकर कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी होगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि हाँ भाई आप अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजिए, चाइल्ड लेबर मत करिए, लेकिन सोसाइटी में चाइल्ड लेबर चल रहा है, फीमेल फेटिसाइड चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा ना। दोनों का कॉपरेशन करना पड़ेगा, ह्यूमन सोसाइटी के लोगों को भी साथ देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को भी मिलकर काम करना होगा, तभी तो अप्रोचेस होंगी। तो अगर ये चारों एफिशिएंटली वर्क करेंगे तो ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा, पैसा होगा, लोगों के पास चॉइस होगा, गवर्नमेंट अच्छा स्कीम्स लाएगा, लोगों के पास चॉइस होगा, लोगों की नीड्स पूरी हो जाएगी तो लोग अच्छी लाइफ जिएंगे, कैपेबिलिटीज़ होगी तो लोगों के पास चॉइस होगा, मतलब चॉइस मतलब अपना डेवलपमेंट करने का उनके पास कैपेसिटी होगा, ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट को हम मेज़र कैसे करते हैं, हमने बात तो कर ली कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र कैसे करेंगे ये तो समझना है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, एक चार्ट बनता है, उस चार्ट में रैंक किया जाता है कंट्री को ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके यहाँ जो की एस्पेक्ट्स है, उनके यहाँ रिसोर्सेज एक्सेसिबल है या नहीं लोगों को, उनके यहाँ हेल्थ कैसा है लोगों का, उनके यहाँ एजुकेशन मिल रही कि नहीं लोगों को, ठीक है। तो इसके बेसिस पर कंट्री को 0 से 1 के बीच में नंबर दिया जाता है, उस नंबर के बेसिस पर अगर कोई 0.8 या फिर 9 के आसपास है तो मतलब वो ज़्यादा डेवलप है, और कोई 0.1 या 2 के आसपास है मतलब वो कम डेवलप है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स द कंट्रीज़ बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस द की एरियाज़, जहाँ का हेल्थ अच्छा है, एजुकेशन और रिसोर्सेज, इनके बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता है, कंट्रीज़ को रैंक करता है 1st, 2nd, 3rd ऐसे करके, ठीक है। ये जो रैंकिंग होता है इसमें स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में, जो कि कंट्री को इनकी एरियाज़ पर काम करने पर मिलता है। इंडिकेटर चूजन टू एसेस हेल्थ, अब हेल्थ के लिए किस इंडिकेटर को लिया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कोई इंसान पैदा हुआ और वहाँ से कब तक जी रहा है, ठीक है, कितने साल तक जी रहा है, उसके बेसिस पर पता चलेगा कि लोगों का हेल्थ कैसा है। देखो जैसे क्या होता है, अगर इंसान का हेल्थ अच्छा होगा तो वो काफ़ी लंबा जिएंगे, है ना। तो अगर कोई लंबा जी रहा है मतलब उस कंट्री के जो लोग हैं उनका हेल्थ काफ़ी अच्छा है, मतलब वहाँ किसी भी तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ है हेल्थ में वो ख़त्म नहीं हो रही है, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ना। उसके बाद अब आ जाओ एजुकेशन के ऊपर, कैसे पता चलेगा कि लोग एजुकेटेड हैं या नहीं, किसी कंट्री में एजुकेशन है या नहीं है, तो वो होगा लिटरेसी रेट के हिसाब से। लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, है ना, कितने लोगों का इनरोलमेंट रेशियो हो रहा है, कितने लोग का एडमिशन हो रहा है, उसमें से कितने लोग अटेंड कर रहे हैं स्कूल, ठीक है, मतलब जितने भी अडल्ट्स हैं वो क्या, कितने परसेंटेज अडल्ट्स हैं जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। तो ये इससे क्या पता चलेगा वहाँ की एजुकेशन के बारे में। उसके बाद एक्सेस टू रिसोर्सेज मेजर इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर, अब देखो रिसोर्सेज का एक्सेस करना मतलब आपके पास पैसा है या नहीं, आप कैपेबल हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए, मतलब इनकम। तो हेल्थ को हम किए कितना साल तक जी रहे हैं लोग उससे, एजुकेशन को किए कि कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं कितने उम्र के, और हमने रिसोर्सेज को किया इस चीज़ से कि लोगों का इनकम क्या है, क्योंकि पैसा होगा तभी तो लोग किसी सामान को खरीद सकेंगे ना। तो तीनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, तीनों को मिलाकर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को नापते हैं कि किस कंट्री का कितना रैंक होना चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसे बनता है, ठीक है। इसके बाद अगर किसी का 0.983 आया, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाईली ह्यूमन डेवलप्ड है, और कहीं 0.2 के आसपास आया तो मतलब वहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी लो है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेज़र अटेंडमेंट्स, देखिए क्या करता है ह्यूमन डेवलपमेंट, अटेंडमेंट्स को मेज़र करता है कि उनको ये जो सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ, ये अटेंड हो रही है नहीं, ये उनको मिल रही नहीं। लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है कि ठीक है हमने क्या बात की कि रिसोर्सेज मिल रहा है कि नहीं,
हमने ये नहीं बात की कि रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मतलब अमीर के लिए कितना रिसोर्सेज रखा जा रहा है, गरीब के लिए कितना रखा जा रहा है, आने वाले जनरेशन के लिए कितना रखा जा रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से एक और इंडेक्स जोड़ा गया जो कि था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि वर्क करेगा शॉर्टफॉल पर, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि हम लोग उसमें सिर्फ डेवलपमेंट को मेज़र कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि वेदर अ कंट्री इज़ शोइंग पॉजिटिव ग्रोथ और नॉट, है ना, कोई जगह कोई कंट्री पॉजिटिव ग्रो कर रही है या नहीं, बस हम ये देख रहे हैं। उसके बेसिस पर हम नंबर दे रहे हैं कि हाँ भाई ये लो डेवलप है, ये हाई डेवलप है, ये वेरी हाई डेवलप है, बस ये कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोग ये नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर कोई कम डेवलप है तो क्यों कम डेवलप है, है ना, हम उसकी हम उस कमी को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और ये कमी कैसे पता चलेगी उसको देखते हैं आप, वो पता चलेगी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से, जो कि इनकम पर बेसिस नहीं होता है। अब देखिए, ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है, इसको 1990 से UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करते आ रहा है। चलिए, तो क्या है ये, एक नन इनकम मेज़र है, पॉवर्टी क्या है, एक नन इनकम मेज़र है, जो शॉर्टफॉल है आपका, ये जो शॉर्टफॉल है, ठीक है, जो खामियां निकल के आ रही हैं ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में, ठीक है, उसमें ये जो शॉर्टफॉल है ये क्या, एक नन इनकम मेज़र है। लाइक देखिए, वैसे लोग जो 40 साल तक भी नहीं जी पा रहे हैं, है ना, या फिर मतलब ऐसा हो सकता है ना भाई कि 40 साल तक नहीं जिए तो उसमें क्या कर देगा लोग, वहाँ पर हेल्थ ख़राब है, तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसको लेस डेवलप में रखा जाएगा। लेकिन वहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि वहाँ पर ग्रोथ कैसा हो रहा है, या फिर वहाँ पर अगर उसको लेस डेवलप किया गया है तो क्यों किया गया है, ठीक है। तो एडल्ट लिटरेसी रेट, नंबर ऑफ़ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज, एंड द नंबर ऑफ़ स्मॉल चिल्ड्रेन हु आर अंडरवेटेड, ऑल टेकन इन टू अकाउंट टू शो द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन रीजन। मतलब अगर कहीं का ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स कम है, कहीं की ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी लो है, तो वो क्यों है, वो हो सकता है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो, वहाँ एजुकेशन कम हो, वहाँ रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हों लोगों को, मतलब अगर कुल मिलाकर बात कहें तो वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, भले वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो या रिसोर्सेज का हो, वो अनइक्वल हो रहा है, ठीक है। अनइक्वल मतलब किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो किसी को कम, अमीर को ज़्यादा मिल रहा है, गरीब को कम, है ना। तो ये सब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के शॉर्टफॉल हैं, खामियां हैं। ऑफन द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज़ मोर रिवीलिंग देन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं, वो सारे फैक्टर्स देखते हैं जो एक कंट्री को आगे बढ़ाते हैं, उन सारे फैक्टर्स को नहीं देखते हैं जो एक ह्यूमन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या सरकमस्टांसेस एक आदमी के सामने आ रहे हैं उसके लाइफ को सर्वाइव करने में, ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम पॉवर्टी के ऊपर ध्यान देंगे कि लोग आखिर गरीब हो क्यों रहे हैं, है ना। डेवलपमेंट का तो पता है, इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ डेवलप कैसे करेगा, लेकिन भाई डेवलप कैसे करेगा इससे अगर ध्यान हटाओगे तब तो पता चलेगा कि जो पोजीशन पर वो है उस पोजीशन पर वो दोबारा कैसे नहीं जा सकता है ना। उस पोजीशन पर जाने पे अगर हमको रोकना है तो क्या क्या मेज़र्स उठाने पड़ेंगे। तो पॉवर्टी इंडेक्स हमें यही बताता है कि अगर कोई इंसान गरीब है या फिर कोई कंट्री का डेवलपमेंट ख़राब है तो क्यों है। तो लुकिंग एट बोथ दीज मेज़र्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टुगेदर gives an accurate picture of the human development situation in a country। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को अगर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि डेवलप कब कर सकता है और पॉवर्टी में कब जा रहा है ह्यूमन का डेवलपमेंट, मतलब लोग अपनी लाइफ को कब कैसे अच्छी बना सकते हैं और कैसे पॉवर्टी में लोग जा रहे हैं और कैसे उससे रुक सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। तो The ways to measure human development are constantly being refined and newer। बहुत सारा नया नया तरीका लाया जा रहा है जिससे लोग की ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइक पहले देखिए क्या था, रिसोर्सेज को रखा गया, हेल्थ को रखा गया, एजुकेशन को रखा गया, अब क्या रखा जाता है, पर कैपिटा इनकम को, और क्या रखा जाता है, कैलोरी कंजम्पशन को, है ना, गांव के लिए शहर के लिए अलग अलग ऐसे करके बनाया जाता है। तो बहुत सारे नए नए तरीके हैं जिससे ह्यूमन के डेवलपमेंट को मेज़र्स किया जा रहा है, और टाइम बाय टाइम जैसे जैसे हम लोग रिसर्च करते जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में, वैसे वैसे हमको नए नए तरीके मिलते जा रहे हैं, ठीक है।
तो अब क्या है कि रिसर्चेज हैव फाउंड लिंक्स बिटवीन द लेवल ऑफ करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम। लाइक देखिए, जहाँ पर करप्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो फैसिलिटीज़ है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हर चीज़ में भाई घूस चाहिए। या फिर जहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम होगा, पॉलिटिकल फ्रीडम है, ठीक है, लोगों को पूरी तरीके से राइट्स है कि वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, वहाँ पर लोगों की लाइफ अच्छी होगी, है ना। वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाइए, ये करिए, वो करिए, ठीक है। अब आ जाते हैं GNH पर। देखो, भूटान ने एक मेज़र्स अपनाया है ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने का। इसने बोला, भूटान ने क्या किया कि अपने हैप्पीनेस पर ध्यान दिया कि वहाँ के लोग खुश हैं या फिर नहीं है। गवर्नमेंट अच्छी होगी, गवर्नमेंट सबको अच्छे से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करेगी अच्छे से, तो क्या होगा, वहाँ पर लोगों का डेवलपमेंट होगा, है ना। लोग जितना ज़्यादा खुश होंगे उतना ज़्यादा लोगों का डेवलपमेंट होगा। इस मेज़र्स को लेकर चलता है भूटान। भूटान का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने लोगों की खुशी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, भले हमको उसमें किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, ठीक है। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन पर अब आते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरेस्टिंग। साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन कैपिटल। अब देखो, जब हम आते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ ये इस पर ध्यान नहीं देते कि कोई कंट्री कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है, कहाँ का पर कैपिटा इनकम कम है या फिर कहाँ का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। ऑफन स्मॉलर कंट्रीज़ हैव, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज़ में हमें ये पता चला है ना, कंट्रीज़ छोटी है लेकिन उसका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, वो डेवलपमेंट ज़्यादा कर रही है। कंट्री बड़ी है, ठीक है, लेकिन वो डेवलप नहीं हो रही, वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। लाइक देखिए क्या है कि यहाँ देखिए, श्रीलंका, ट्रिनिदाद एंड टोबागो हैव अ हायर रैंक देन इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिस्पाइट हैविंग स्मॉलर इकोनॉमीज। देखिए, श्रीलंका भी इंडिया से छोटा है, ट्रिनिदाद, टोबैगो, ये सारा इंडिया से छोटा है, ठीक है, इंडिया से छोटा है, लेकिन फिर भी इनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है उसमें इनको हायर रैंकिंग मिला है और इंडिया को इनके कंपैरिजन में लोअर रैंकिंग मिला है। तो इससे क्या पता चला कि ये मैटर नहीं करता कि हमारी साइज़ बड़ी है या छोटी है, हमारी इकोनॉमी बड़ी है या छोटी है, फ़र्क ये करता है कि रैंकिंग कैसा मिल रहा है, मतलब मटेरियल लाइफ जो है लोगों की वो कैसी चल रही है, ठीक है। सिमिलरली अब इंडिया में देखें तो केरला पंजाब से अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लो पर कैपिटा इनकम। वो हमने ऊपर साइज़ में देख लिया श्रीलंका, त्रिनिदाद, टोबैगो का। अब पर कैपिटा इनकम पर आते हैं तो केरला का पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है, लेकिन फिर भी वो पंजाब और गुजरात से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है HDI में, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो चार ग्रुप्स है जिसमें कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर किन्हीं का स्कोर, जैसे हम क्या बोले, 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जाएगा, है ना, तो 0.800 से ऊपर है अगर, तो वो हाईली ह्यूमन डेवलपमेंट है ना। ऐसे टोटल 59 कंट्रीज़ हैं जिनको HDI ने एबव 0.800 स्कोर्स दिया है ना, 800। उसके बाद अगर कोई 0.701 से 799 तक है, मतलब वहाँ का क्या ह्यूमन डेवलपमेंट हाई है, ऐसे 53 कंट्रीज़ हैं। और जहाँ पर 0.549 से भी कम है, वो बहुत ज़्यादा लो है, ऐसे 38 कंट्रीज़ हैं जो इसमें आते हैं, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा अच्छे से। कंट्रीज़ विथ हाई डेवलपमेंट, तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको। चलिए, तो ऐसे टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में दिखाया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में इनको टॉप 10 रैंक मिला है, जिसमें नॉर्वे टॉप 1 पर है, टॉप 10 पर है नीदरलैंड्स, ठीक है, यहाँ इंडिया कहीं पर भी नहीं है। चलिए, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज़ 53 कंट्रीज़। हाई लेवल वाले मतलब 0.701 से लेकर 0.799 के बीच वाले हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कहलाएंगे, तो ऐसे टोटल 53 कंट्रीज़ हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी। एजुकेशन पर ध्यान देना, हेल्थ पर ध्यान देना, ये किसका काम है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अच्छे पॉलिसीज़ लाएँ, सरकारी स्कूल खोलें, सरकारी हॉस्पिटल खोलें, वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ दें ताकि लोगों को अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट हो उनकी, ठीक है, हाई लेवल की ह्यूमन डेवलपमेंट हो। कंट्रीज़ विथ हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज वेयर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर हैज़ टेकन प्लेस। और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है, जहाँ गवर्नमेंट ने सोशल सेक्टर पर ध्यान दिया है,
एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर ध्यान दिया है, वहाँ की जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी दिखी है। तो ऑल टुगेदर कुल मिलाकर कहें तो हायर इन्वेस्टमेंट पीपल एंड गुड गवर्नेंस हैज सेट दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम दी अदर्स। तो ये जो 10 कंट्रीज थी ऊपर, इनकी रैंकिंग इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सोशल सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है और गवर्नेंस भी अच्छी है, ठीक है। इस वजह से देखिए, इंडिया को यूएन डेवलपमेंट नेशन इंडेक्स में 126 रैंक मिला था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ नए कुछ एक्टिविटी बता रहा है कि कहाँ का आपको, मतलब जो हमने ऊपर में पढ़ा ना, ह्यूमन डेवलपमेंट को 4 कैटेगरी में बांटा गया था रैंकिंग के आधार पर, हाईली, वेरी हाई, मीडियम और लो, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर कब कम होगा, ज़्यादा होगा, है ना। चलिए, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है बहुत सारे जगह पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो रिकॉर्ड होता है लो लेवल्स का होता है। लाइक देखिए, सरकार ने अच्छी पॉलिसी नहीं लगाई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया खुद के ऊपर। सरकार ने मान लीजिए पॉलिसी अच्छी लगा दी लेकिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तभी डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सरकार भी अच्छी पॉलिसीज ला रही है जिससे लोगों का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तब डेवलपमेंट होगा, तब उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंकिंग है वो बढ़ेगी, है ना। मान लो कहीं पर सोशल इंस्टेबिलिटी है, वॉर चल रहा है या फेमाइन हो गया है या बीमारी फैल गया है, इसकी वजह से क्या होगा वहाँ पर? वहाँ की डेवलपमेंट खराब होगी, लोगों की हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो एजुकेशन तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा, है ना। और रिसोर्सेज नहीं मिलेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि रिसोर्सेज अगर नहीं मिलेगा लोगों को तो ना रहेगा हेल्थ, ना रहेगा एजुकेशन, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो की एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि क्या हो, ऐसा कोई भी केस ना हो। यही सारी चीज़ें इसमें समझाई गई है कि कुछ सोशल फैक्टर भी हैं और कुछ ह्यूमन फैक्टर भी हैं जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग कभी ऊपर जाती है कंट्रीज़ की और कुछ कंट्रीज़ की नीचे आ जाती हैं। जहाँ पर लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जहाँ पर जो 4 पिलर्स हैं उस पर वर्क किया जाएगा, यानी कि इक्विटी पर वर्क किया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी पर वर्क किया जाएगा, एम्पावरमेंट पर वर्क किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी पर वर्क किया जाएगा, वहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडेक्स हाई होगी। और जहाँ इन सब चीज़ पर वर्क नहीं किया जाएगा वहाँ की लो होगी। और इन सब चीज़ पर वर्क करने के लिए लोगों के पास 3 चीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है, एक्सेस टू रिसोर्स, हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है। होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा यूनिट 2 ख़त्म होता है, अब हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर हम लोग अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में समझेंगे, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रियल, सब चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कुछ पार्ट अगर मिस हो गया हो कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस से जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को इसमें से कौन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है? तो डेवलपमेंट क्या था, क्वालिटेटिव पॉजिटिव चेंज, है ना, तो पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट को कॉन्सेप्ट को किसने लाया था? तो डॉक्टर महबूबुल हक ने लाया था, है ना। ये क्या थे, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा क्वेश्चन आंसर है अपना क्लियर करने का, देखिएगा कोशिश करिएगा बनाकर, बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।